लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश, कई इलाकों में पानी भरा नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में आज तेज बारिश हो रही है। अचानक हुई इस बारिश से मंडी हाउस, करोल बाग, निजामुद्दीन ईस्ट, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में भारी जाम भी सामना करना पड़ा। कई दिनों से जारी गर्मी के बाद हुई इस बारिश से दिल्ली वालों को गर्मी से भी निजात मिली है। इंडिया गेट के पास कई बच्चे बारिश में मस्ती करते नजर आए। स्कूल से लौट रहे बच्चों ने भी बारिश का मजा लिया। यात्रियों से भरी बस पुल के नीचे फंसी। बारिश का असर दिल्ली सचिवालय में भी देखने को मिला। सचिवालय के अंदर पानी भर गया। दिल्ली सचिवालय में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऑफिस है। इसके अलावा मेट्रो रोड पर यात्रियों से भरी एक बस पुल के नीचे फंस गई। समय रहते यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी पानी भर गया। बता दें कि इसी रोड पर सत्ताधारी बीजेपी का मुख्यालय है। रात में भी जारी रहेगी बारिश। दिल्ली के पूसा में 69 मिमी, आर्यनगर में 55 मिमी और नई दिल्ली में 37 मिमी, गुरुग्राम में 22 मिमी, इंदिरापुरम में 17 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश रात में भी जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर के अलावा जबलपुर, सतना, सागर सहित मध्य प्रदेश और अजमेर, जोधपुर, जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई शहरों में मूसलाधार वर्षा हुई। कई दिनों से जारी गर्मी के बाद हुई इस बारिश से दिल्ली वालों को गर्मी से भी निजात मिली है। इंडिया गेट के पास कई बच्चे बारिश में मस्ती करते नजर आए। स्कूल से लौट रहे बच्चों ने भी बारिश का मजा लिया। इन इलाकों में बारिश की वजह से जाम। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ट्विटर पर लगातार जलभराव वाले इलाकों और ट्रैफिक की स्थिति को लेकर जानकारी दे रही है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ITO, आनंद पर्वत, साउथ दिल्ली और नई दिल्ली इलाके में जलभराव की वजह से ट्रैफिक जाम है। ये भी पढ़ें दैश।